हेलो साथियों, जय हिंद दोस्तों। हम आ गए हैं फिर से जीएस वर्ल्ड की एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर। साथियों, आपका एग्ज़ाम बहुत करीब आता जा रहा है। आपका जो एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का होने वाला है, उसकी डेट धीरे धीरे हम लोगों के बहुत करीब आती जा रही है। और इस सिचुएशन में हमारा यह सबसे बड़ा दायित्व तो बनता है, अगर सच मायने में हम लोग अपने माँ बाप के भरोसे पर खरा उतरना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम जो कुछ अब तक पढ़े हैं, जो कुछ तैयारी की है, अपने उस तैयारी में धार लगाना होगा। साथियों अगर हम लोग का हथियार कितना भी बड़ा हो, कितना भी मजबूत हो, अगर उसमें धार नहीं है तो हथियार हमारा निरर्थक हो जाता है। साथियों, आज की हमारी जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोग जानते होंगे कितनी भरोसेमंद और बेहतरीन संस्था का ये टेस्ट सीरीज होती है, खास करके यूपी पीसीएस और अदर जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए। तो साथियों, जीएस वर्ल्ड की आज की हमारी यह छठवीं टेस्ट सीरीज है, और छठवीं टेस्ट सीरीज में जो सबसे खास बात है मेरे भाई, यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं, और कुछ यूपी स्पेशल से संबंधित साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं। यानी जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें, जितने भी प्रश्न हैं, सब के सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो करेंट अफेयर से भी जोड़कर प्रश्न को रखा गया है और यूपी स्पेशल से भी जोड़कर रखा गया है। साथियों, बहुत बेहतरीन होगा, आप जब ऐसे 150 प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो आपके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न बनते कैसे हैं, कहाँ से बनते हैं, किस लेवल के बनते हैं, ये सारा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। साथियों, एक बात याद रखना, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज विश्वसनीय संस्थाओं का लगाए रहोगे, क्योंकि हमारे इस मंच पर जो भी बड़ी और विश्वसनीय संस्थाएं हैं, जैसे दृष्टि आईएएस, थे आईएएस, जीएस वर्ल्ड, ये सब बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, इनका टेस्ट सीरीज हम लोग करवाते हैं। तो साथियों, इससे होगा क्या कि आप ऐसी बेहतरीन संस्थाओं का जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा जो है कॉन्फिडेंस विकसित होगा। यही कॉन्फिडेंस जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, तो यही पूरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर मजबूती लाएगा। आप जो दुविधा वाले प्रश्न होते हैं वो भी सही हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है, तो आपको जो दुविधा वाले प्रश्न होते हैं वो भी सही हो जाते हैं। अगर किसी बच्चा का कॉन्फिडेंस बहुत लो है तो दुविधा वाला प्रश्न क्या, वो सही प्रश्न भी गलत करके आता है। तो साथियों, आप सबसे निवेदन है, विनती है कि ऐसी बेहतरीन संस्था का ये टेस्ट सीरीज है कंटेंट, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, और अंत तक देखेंगे बहुत सारे आपको फैक्ट सीखने को मिलेगा, बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारे तथ्यों की जानकारी होगी, बहुत सारे सूचनाओं की जानकारी होगी, जो अदर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। तो साथियों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं हमारे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हम लोग पहले प्रश्न पर। बहुत बढ़िया साथियों, क्या है हमारा पहला प्रश्न, देखते हैं। देखें, पहला प्रश्न हमारा जो कह रहा है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। सदिश राशि, राशियाँ दो होती है मेरे भाई, सदिश और अदिश। स में मतलब ये, स का मतलब सम्मिलित, दिश का मतलब दिशा, यानी ऐसी राशि जिसमें दिशा भी सम्मिलित हो, और अ का मतलब क्या होता है, नहीं, और दी का मतलब दिश का मतलब दिशा, यानी अदिश में दिशा नहीं होती है और सदिश में दिशा होती है। तो हमें उस राशि को पकड़ना है इन चारों में से जो जिसमें दिशा हो। तो देखें, विद्युत धारा में दिशा तो नहीं होती मेरे भाई, इसमें परिमाण होता है केवल, ताप में भी दिशा नहीं होती है, दाब में भी दिशा नहीं होती है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो त्वरण दिया है, त्वरण में दिशा होती है, तो त्वरण एक सदिश राशि है, क्योंकि त्वरण की हम परिभाषा को जब देखेंगे तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, और वेग परिवर्तन की दर किसी दिशा में होता है, मनमानी तरीके से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया साथियों, आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न क्या है, पदार्थ के परिणाम, पदार्थ के परिणाम का एक दूसरा नाम होता है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या होगा, इसे हमें बताना है, SI मात्रक। तो साथियों, SI मात्रक पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9 में ही, पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब बात आती है जो ये बेचारे सब हैं, ये सब क्या हैं। तो देखो, कैंडिला जो है यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है, JT में लिख दे रहा हूँ, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। केल्विन जो है ये टेम्परेचर का SI मात्रक है,
और रेडियन जो है ये कोण का एसआई मात्रक है। तो आप लोग इसको बारे में सूचनाएं को इन सभी को इकट्ठा कर लिए याद रखिएगा जो आपको काम आ सकती है। आगे हम लोग देखें तीसरे में मेरे भाई साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई सारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? न्यूटन के प्रथम गति नियम से, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा क्या होती है मेरे भाई? बल एक बाह कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन लाता है। जैसे ये कोई मेज रखी गई है, मेज पर बल लगा दें तो मेज जो है कुछ दूर जाकर यहाँ खिसक जाएगी। तो यानी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन आ गया, मेज यहाँ से यहाँ चली आई। और क्यों आगे नहीं जाई, क्यों रुक गई? इसलिए रुक गई तो यहाँ मेज पर घर्षण काम कर रहा है। यही घर्षण न काम कर रहा होता और हवा का घर्षण न रहता तो ये मेज हम एक बार बल लगा दिए ये जाते ही रहती। तो कुछ ऐसा ही न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम कहता है कि किसी वस्तु, कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी या विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह बल न लगाया जाए। तो बाह बल यहाँ पर घर्षण हो गया इसलिए रुक गई बल लगाने पर, नहीं तो नहीं रुकती। चले हम लोग चौथा प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रीय, साथियों बहुत बेहतरीन प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा समय दीजिएगा, बहुत कुछ आप सीखेंगे। अपकेंद्रीय और इसका एक जुड़वा भाई होता है अभिकेंद्रीय, आप लोग याद रखिएगा अभिकेंद्रीय। तो अपकेंद्रीय क्या होता है? अपकेंद्रीय बल साथियों ऐसा बल जो केंद्र से दूर काम करता है। और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? कोई वस्तु ऐसे गोल गोल घूम रही है तो उसका केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, इसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और अपकेंद्रीय बल क्या होता है? कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है तो उसका बल केंद्र से बाहर की ओर काम करता है। अब केंद्रीय बल का एक बहुत बढ़िया उदाहरण देखना हो, आप किसी फोर व्हीलर में बैठ जाना और बीच वाली सीट पर बीच में, और ड्राइवर से कहना तेज़ी से ले जाकर घुमाओ। अगर वो ड्राइवर स्पीड में गाड़ी को ले गया और बाएं तरफ घुमाया तो आप दाहिने दीवार से टकरा जाओगे, अगर वो दाहिने तरफ घुमाया तो आप बाएं दीवार से टकरा जाओगे। तो यही अपकेंद्रीय बल होता है कि आप केंद्र से दूर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कौन सा कार्य करता है? तो कपड़ा सुखाने की मशीन या कपड़ा धोने की मशीन, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। और बाकी जितने हैं उपग्रह की गति, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की गति, समतल वृत्ति मार्ग पर जो कार की गति होती है, ये सब अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है, याद रखिएगा साथियों। आगे हम लोग चलें पाँचवें में, बहुत बढ़िया प्रश्न देखें इसमें क्या करा है? देखो ढेर सारा लिखा है लेकिन इसमें कोई दम नहीं है साथियों, ये हम लोग पहली बार कक्षा 9 में पढ़े थे। बहुत बढ़िया साथियों, यहाँ बहुत कुछ सूचनाएँ हम लोगों को मिलेंगी। देखें हम लोग क्या है यहाँ, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, चार यहाँ पर जो हमें हैं ये कथन दिए गए हैं और उनमें सत्य क्या है वही बताना है। तो डायनमो साथियों हम लोग जानते हैं, शादी विवाह में आप लोग जनरेटर जो देखते होंगे, हैंडल मारकर चालू किया जाता है, उस जनरेटर में इंजन होता है और डायनमो होता है। इंजन डायनमो को घुमाता है और डायनमो हमें करंट देता है, यानी डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को लेता है और विद्युत ऊर्जा को देता है। सही बात है, ऑप्शन नंबर सी, यानी डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बात सही है। दूसरा ट्यूबलाइट हम लोग जलाते हैं उसे इलेक्ट्रिक देते हैं तो हमें प्रकाश देते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ये भी बात सही है। तीसरा कह रहा है विद्युत मोटर क्या होता है? जैसे पंखा हमारा हो गया और तमाम चक्की मशीन हो गई, कोई भी विद्युत उपकरण ले ले घूमने वाला, तो पंखा में क्या होता है? विद्युत मोटर होता है, हम लोग उसे विद्युत देते हैं और वो हमें यांत्रिक ऊर्जा देती है, यानी डायनमो का उल्टा होता है वो, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर चार में ये क्या कह रहा है, चौथे कथन में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, साथियों ये भी बात सही है। लाउड स्पीकर, क्योंकि लाउड स्पीकर यहाँ पर साउंड हम लोग रख दिए हैं और एम्पलीफायर इसे ला के करेंट देता है, यानी विद्युत ऊर्जा देते हैं, या विद्युत ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो बहुत बढ़िया, चारों के चारों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा, चार के चारों सही हैं। आगे चले हम लोग छठवें में क्या है साथियों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखें यहाँ पर कह रहा है, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से सेट करते हैं, अब सही है।
कह रहा है पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व जनित त्वरण यानी जी का मान में क्या परिवर्तन होता है। तो आपको बता दे साथियों, आप लोग को मालूम होगा, कक्षा 9 में ही पढ़ाया गया होगा, आप जब पृथ्वी के ये सतह हो गई, इसके ऊपर जाएंगे या इसके नीचे आएंगे, दोनों सिचुएशन में ये जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटने लगता है, कम होने लगता है। तो यहाँ पर बढ़ेगा तो नहीं, घटेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चले हम लोग। अब चलते हैं हम लोग सातवें क्वेश्चन में, देखते हैं सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पलायन वेग से है साथियों, बहुत बढ़िया। पृथ्वी के पलायन वेग, क्या पलायन वेग का मान कितना होता है? पलायन वेग होता क्या है साथियों, हम लोग किसी वस्तु को इतने स्पीड से फेंक दें कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र को पार कर जाए। तो पृथ्वी, कोई किसी वस्तु को फेंकने के लिए गुरुत्वाकर्षण के मतलब अट्रैक्शन से, उसको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर करने के लिए उसे हमें 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंकना होगा। तो पलायन वेग का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, अगर किसी वस्तु को हम इतने स्पीड से फेंक देंगे तो वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगी, इसी को पलायन वेग कहा जाता है। आगे चलें हम लोग आठवें में, देखें पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण खनिज निम्नलिखित में से किसके द्वारा पहुंचते हैं, किस क्रिया के द्वारा पहुंचते हैं? आप लोग को मालूम होगा, दिमाग कभी आप लोग सोचे होंगे पेड़ के नीचे बैठ जाना, सोचना ये पेड़ पौधों को जो है, पत्तियों को, पेड़ पौधों की टहनियों को, उनकी शाखाओं को, जल और तमाम चीज़ें जो आवश्यक खनिज हैं, कैसे पहुंचते हैं? तो केशिकात्व के माध्यम से मेरे भाई, आपको मालूम होगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिलरी। क्योंकि हम लोग देखे हैं, जैसे कोई हम लालटेन या दिया बत्ती जलाते हैं तो यहाँ तेल भर देते हैं और इसमें एक बत्ती डाल देते हैं, तो ये बत्ती जो है केशिकात्व के माध्यम से ही तेल को खींच कर ऊपर तक पहुँचाती है, ऊपर जलता है। तो ऑप्शन नंबर ए, यही केशिकात्व क्रिया के माध्यम से। आगे बढ़े हम लोग नौवे में, देखते हैं क्या है नौवा। चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? तो चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसके जो है आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप लोग जानते हैं चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 जो है वहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा जब ग्रेविटेशन वहाँ पर इसका पृथ्वी का 1/6 है, तो होगा क्या वहाँ पर कि लोलक घड़ी का आवर्तकाल बहुत स्लो हो जाएगा। कोई चीज़ जैसे हम लोग ये चक्कर काट रहे हैं, ये इतना बड़ा गोला है और कोई व्यक्ति दौड़ लगाता है, बहुत तेज़ी से दौड़ लगाता है, तो एक ही मिनट में जो है वो गोला पूरा कर लेगा अपना चक्कर, और कोई व्यक्ति बहुत धीरे 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 चक्कर दौड़ रहा है तो वह 5 मिनट ले लेगा गोला लगाने में। तो जो 5 मिनट लिया यानी उसका आवर्तकाल ज़्यादा हो गया, तो आवर्तकाल पर क्या परिवर्तन होगा? आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नौवां का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। चले हम लोग आगे देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न दसवें में। निम्नलिखित में से किसमें लाइकोपेन पाया जाता है? तो लाइकोपेन मेरे भाई हमें मालूम है यह टमाटर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, इसी लाइकोपेन के कारण हमारा टमाटर जो है वो लाल रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। और गाजर में हमें मालूम है मेरे भाई, गाजर में हमारे क्या पाया जाता है, ये वर्डी लवक होते हैं जो उनको रंग प्रदान करते हैं, आपको लोगों को मालूम होगा। तो टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, क्या कैरोटीन, गाजर में कैरोटीन। चुकंदर में क्या पाया जाता है? चुकंदर में शायद जो है कोई विटामिन पाई जाती है, और ये यहाँ पर हम लोग को बता ही दिया टमाटर में लाइकोपिन। आगे चले हम लोग 11 में, देखते हैं साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर भी, देखें क्या कह रहा है। पादप कोशिका प्लांट सेल, पादप कोशिका के संदर्भ में कुछ सूचनाएं दी गई हैं, 2 कथन दिया गया है, इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर दे देना है। तो कथनों को पढ़ें हम पहले, क्या है इसमें? कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, यस मेरे भाई यह सूचना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है प्लांट सेल में ही जो है ये कोशिका भित्ति पाई जाती है जो है, और ये जो है जंतुओं के सेल में नहीं पाई जाती है, तो ये बात एकदम सही है कोशिका भित्ति। तो इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है, नहीं मेरे भाई
ये वृत्ताकार इसका आकार नहीं होता है, इसका जो है आयताकार इसका आकार होता है। तो 11वां का जो हमारा उत्तर होगा ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये तो गलत हो गया, तो पहला सही है, तो ऑप्शन नंबर ए 11 का ए सही होगा केवल। आगे हम लोग चलें, 12 में क्या है देखें, 12 वाले में हमसे पूछा जा रहा है कथन दिया है 4 ठो, इन्हीं कथनों पर आप विचार कर लीजिए और सत्य कथन को बता दीजिए विकल्पों में से। तो क्या है, सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। यस मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण करने वाले सबसे पहले जीव साइनोबैक्टीरिया थे, ये बात सही है। दूसरा है पंछियों का विकास सरीसृप यानी रेप्टाइल से हुआ है, यस ये भी बात सही है, यानी जो सर्प जाति से पंछी जो उड़ने वाले पंछी हैं इनका जो विकास हुआ है यह सरीसृपों से हुआ है, सांप वाली प्रजातियों से, ये भी सही है। तीसरा क्या रहा है, जल स्थलचर जीवों का विकास मछली वर्ग से हुआ है, ये भी बात सही है, यानी जल में रहने वाले या स्थल पर रहने वाले जो भी जीव हैं, आप लोग पढ़े होंगे अगर बायोलॉजी जियोलॉजी में तो उसमें आपको बताया गया होगा ये चीज़ें, तो उनका विकास जैसे हम लोगों को ही बताया था हम लोग मछली से ही पैदा हुए हैं, हम लोगों का विकास मछली से ही हुआ है। तो चौथे में क्या है, स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है, यस ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, 4 के 4 सत्य हैं। आगे चले हम लोग 13 में क्या कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपको पूछे मेरे भाई तो आप लोग यकृत बना देना, बता देना, लीवर बता देना, इसी को कलेजा कहा जाता है, इसी को जिगर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यही शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है तो पीनियल ग्रंथि होती है, क्या होती है, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि याद रखिएगा। आगे हम लोग चलें 14 में शरीर का तापक्रम निम्नलिखित में से कहाँ से नियंत्रित होता है, शरीर का जो टेम्परेचर है कहाँ से, हाइपोथैलेमस से मेरे भाई, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी होता है। और जैसे हम लोग कोई हॉट सीन देख लिए, कोई हॉट फोटो या कुछ इस टाइप के मूवी सीन में देख लेते हैं तो हमारे अंदर जो उत्तेजना पैदा हो जाती है ये भी हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होता है। आगे चले हम लोग 15 में, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो किस क्रिया के द्वारा पौधों में जो ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है तो वो मेरे भाई यहाँ पर होगा, यहाँ जो होगा विसरण, ऑप्शन नंबर ए विसरण के माध्यम से वह पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचता है। 15 का हमारा उत्तर ए हो गया, विसरण। आगे बढ़े हम लोग 16 देखते हैं क्या है। तो 16 में साथियों हमसे पूछा जा रहा है पुष्पों का अध्ययन यानी फ्लावर का अध्ययन जो होता है, स्टडीज ऑफ फ्लावर, इसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका अध्ययन साथियों हमें मालूम होगा एंथोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी 16 का। कुछ लोग कह देंगे फ्लोरिकल्चर, नहीं मेरे भाई ये फ्लोरिकल्चर नहीं होगा, फूलों की खेती करने का जो अध्ययन होता है वो उसको फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी एंथोलॉजी जो है ये पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, और एंटोलॉजी जो है ये कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन करना कहलाता है, और स्पर्मोलॉजी बीज का अध्ययन करना, ये स्पर्मोलॉजी कहलाता है। तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा आप लोग। चले हम लोग 17 में, तो 17 वाले में क्या कह रहा है, हल्दी के पौधों को खाने योग्य का हिस्सा क्या होता है। मेरे भाई प्रकंद, हल्दी के जो खाने वाला हम लोग लाते हैं उसकी गांठ जैसी, वो प्रकंद होता है, फल थोड़ी ना होता है, आप लोग को जानते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे जान ही जाएंगे, कंद भी नहीं होता है वो, शलकंद भी नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी प्रकंद। तो 18 हम लोग देखते हैं क्या है 18वें में, बहुत बढ़िया साथियों, कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में किया जाता है। तो
पहले ये बता दें, भारी जल का प्रयोग जो है वो ठंडा करने के लिए भी किया जाता है और मंदक के रूप में भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर, यह मंदक के रूप में हमारा 18वां का उत्तर हो जाएगा डी। जैसे अभिक्रिया बहुत तेज हो गई है तो हम लोग अगर वहाँ उसको मंदक के रूप में, इसको भारी जल क्या होता है, D2O, जैसे H2O होता है ना, आप जान लीजिए H2O होता है हाइड्रोजन का ऑक्साइड, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये भारी जल होता है। इसी का प्रयोग हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में जो है तो इसको मंदक के रूप में करते हैं कि अभिक्रिया बहुत तेज़ी से ना हो, वो हमारे कंट्रोल में रहे, जैसे हम चाहें वैसे हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चले हम लोग 19 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई फोटान होती है। तो फोटान साथियों हमें मालूम है HU होता है, ऊर्जा का पैकेट, तो ये किसकी मूलभूत इकाई होती है। तो यहाँ पर प्रकाश लिखा है, गुरुत्वाकर्षण होता है, विद्युत होता है, चुंबकत होता है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का होता है, आप लोग को मालूम है 19 का ए, बहुत बढ़िया। E=HU, ऊर्जा का पैकेट। 20वां में देखते हैं हम लोग क्या है, यदि किसी प्रतिरोधक तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों बहुत बढ़िया, इसको आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंख बंद कर एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हैं, आपको ऐसा प्रश्न मिल गया, आपको कुछ आता नहीं तो दिमाग लगा लीजिए। दिमाग क्या, ऐसे आप सोच लीजिए एक बैटरी है और यहाँ पर एक हमने बल्ब लगा दिया है, तो इस बैटरी में एक छोटा सा तार जोड़कर इस बल्ब को जलाएंगे, तेज़ जलेगा, क्योंकि यहाँ पर तार जितना छोटा रहता है प्रतिरोध उतना कम रहता है, तो अगर तार बड़ा कर देंगे तो प्रतिरोध उसका भी बढ़ जाएगा। और एक तार आपने 1 किलोमीटर का तार लगा दिया, 1 किलोमीटर तार से जब इसको जलाएंगे तो ये बहुत स्लो जलेगा, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ गया तार की लंबाई बढ़ने से। तो तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे भाई प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी प्रतिरोध मतलब क्या, उसके करंट को रोक लेगा। आगे देखें 21 का क्या होगा हमारा, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता आप लोग पढ़े हैं साथियों, जैसे एक निरपेक्ष आर्द्रता होती है, जैसे हवा हो गई, बादल हो गए, बादल में हवा है, अब बादल में कितना ज़्यादा आर्द्रता है, कितना ज़्यादा नमी है, उसे कहा जाता है निरपेक्ष आर्द्रता। और सापेक्ष आर्द्रता क्या कहा जाता है कि अभी उसमें कितनी जो वायु है बादल में उसमें कितनी और नमी डाली जा सकती है, वो कितना खाली है, कितना उसमें नमी है और उसमें कितना और डाली जा सकती है, यानी तुलनात्मक तुलना कर लिया जाता है, तो इसे सापेक्ष आर्द्रता बोला जाता है। तो यहाँ आपको मालूम होगा 21 का हमारा ये प्रश्न आप पढ़े होंगे, बहुत फेमस है हाइग्रोमीटर, कुछ लोग हाइड्रो लगा देंगे तो हाइड्रो मत लगाना, हाइड्रोमीटर हो या लैक्टोमीटर से तो दूध में कितना पानी है ये मापा जाता है, बैरोमीटर से तो ये वायुदाब की मापा जाता है, तो ये सब चीज़ों को आप लोग एलिमिनेट कर देना, यही बी वाला है। तो आगे चले हम लोग 22 का देखते हैं क्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों। ये कह रहा है कि 2000 से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे, 2000 से ये 2000 हर्ट्ज की बात कर रहा है, 2000 हर्ट्ज से अधिक वाली आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो आपको मालूम होगा साथियों, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20000 हर्ट्ज तक, 20000 हर्ट्ज को 20 किलो भी बोलते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की जो ध्वनि है इसी को मानव सुन सकता है, इसी को श्रव्य तरंगे कहता है। और 20 से जो कम होती हैं, जो 20 से कम हर्ट्ज की होती हैं, उन्हें हम अपश्रव्य तरंगे कहते हैं, अपश्रव्य तरंगे कहते हैं, और 20 किलो हर्ट्ज से जो ज़्यादा तरंगे होती हैं वो उसे हम लोग पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है 20000 हर्ट्ज से, यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली तरंगों को हम लोग पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। और जब श्रव्य तरंगे क्या होती है, इतने के बीच, और 20 से कम अपश्रव्य, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक यानी 20000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य, इन चीज़ों को याद रखना। आगे देखें हम लोग 23 में,
एक दंत चिकित्सक, एक दांत का डॉक्टर है कोई, द्वारा रोगी के दांतों का परीक्षण कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेगा। तो साथियों आप लोग को मालूम होगा, किसी भी छोटी चीज़ को अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमें ऐसे दर्पण का प्रयोग करना होगा हमें बड़ा दिखाई दे। तो दांत छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे छोटे दांतों को देखने के लिए हमें आँखों से, हम नंगी आँखों से अच्छे से नहीं देख पाएंगे, तो हमें ऐसे दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा को हमें खूब बड़ा बड़ा दिखाई दे, तो हम उसका अच्छे से इलाज कर सकते हैं। और चीज़ों को बड़ा करके जो दिखाता है वो अवतल लेंस से दिखाता है, अवतल दर्पण जो है वो बड़ा करके हमें दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका आप लोग एक और उदाहरण देख सकते हैं, आप लोग जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आजकल शॉपिंग मॉल में भी यही अवतल दर्पण लगा दिया जाता है। ऐसे आप जैसे कोई कपड़ा खरीदें और उसके सामने जाएं तो आपको भारी भरकम आपका शरीर दिखे तो आपको अच्छा लगेगा, आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे तो कपड़ा ले लेंगे। या सैलून में भी आजकल आप जाते होंगे तो वहाँ भी इस तरह का प्रयोग किया जाने लगा है, आप बाल वाल कटवाएँगे तो आपको अपने आप की शक्ल को बहुत अच्छा लगेगा, हैवी लगेगा, तो आपको लगेगा अगर अच्छा बाल काटा है, अच्छा मेकअप किया है। तो अवतल लेंस यही होता है कि बड़ा करके दिखाता है, याद रखना आप। 24, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक अगर धातुओं में बात की जाती है साथियों, वहाँ पर चांदी होती है, तो यहाँ पर चांदी तो है नहीं, तो यहाँ पर पारा, ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज़्यादा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा होता है, तो जो लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया उत्तर इसका। आगे देखें हम लोग 25 में क्या है इसका, देखें बहुत बढ़िया सवाल, थोड़ा सा हम लोग सेट करें। क्या कह रहा है, एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उसके वास्तविक स्थान से उच्च बिंदु पर रखा हुआ क्यों प्रतीत होता है? मेरे भाई ये कहना चाह रहा है कोई एक साफ सुथरा तालाब है, उसमें नीचे पत्थर डूबा है और वो पत्थर आपको ऐसा लग रहा है कि पत्थर बहुत ऊपर है लेकिन वो बहुत नीचे है। आप ऐसे एक बाल्टी ले लीजिएगा, आप बाल्टी में यहाँ पर अगर आप एक पत्थर रख देंगे पानी भरकर, तो आपको ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ऊपर है पत्थर हुआ लेकिन वो नीचे रहता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा मेरे भाई प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25वें का हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहाँ पर ये सब घटनाएँ हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ से प्रकाश जल में से हवा में आया तो उसका माध्यम बदल गया, तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिला। आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। 26 देख लेते हैं। एक भारी नाभिक, एक हैवी नाभिक न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियस के हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोई भारी नाभिक है, जैसे मान लीजिए भारी नाभिक है और इसको हम कुछ रिएक्शन ऐसा कुछ किए तो ये छोटे छोटे नाभिकों में टूट गया, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो इसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, नाम से ही है विखंडन, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। इसी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हमारा परमाणु बम काम करता है और नाभिकीय संलयन के आधार पर क्या करता है, हमारा हाइड्रोजन बम काम करता है। तो बहुत बढ़िया, हम लोग चलते हैं। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि उसका उल्टा होता है, जो हल्के हल्के नाभिक होते हैं वो बड़े नाभिक में कन्वर्ट होते हैं। आगे चलें हम लोग 27 में। पेंसिल बनाने में कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर जितने भी दिए हैं सब कार्बन के अपरूप हैं, तो कह रहा है लेकिन पेंसिल बनाने में किस कार्बन अपरूप का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे भाई ग्रेफाइट, आपको पता होगा ये चिकना होता है, आप लोग पेंसिल देखते होंगे लिखते होंगे तो थोड़ा सा चिकना होता है इसलिए फिसलता है कागज़ पर, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया ग्रेफाइट। आगे देखें 28 में। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है? मेरे भाई बहुत से तत्व हैं, आप लोग पढ़े होंगे बीएससी अगर किए होंगे या फिर इंटर में भी ये टॉपिक रहा था, तो जैसे जर्मेनियम हो गया, आप लोग को ये सब टॉपिक पढ़े होंगे ना, तो उपधातु निम्नलिखित में से, तो
तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो मेरे भाई इसे क्या कहा जाता है, उपधातु। ऑप्शन नंबर ए, 28 का उत्तर हमारा ए हो जाएगा। उपधातु में धातु और अधातु का दोनों गुण पाया जाता है। तो इसे जो है मेरे भाई, आप लोग इसका उदाहरण पढ़े होंगे, इंटर में भी रहा होगा, ये आप लोग बीएससी किए होंगे तो वहाँ भी रहा होगा। यहाँ भी जो होता है, जैसे बोरान हो गया, सिलिकान हो गया, जर्मेनियम हो गया, और आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब जो होते हैं ये उपधातु होते हैं। उपधातु का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे आप लोग का जो एम्पलीफायर मशीन, जो डीजे बजाने की मशीन आती है, तो उसमें उपधातु का ही प्रयोग किया जाता है। क्योंकि उपधातु, क्योंकि धातु का प्रयोग करोगे गर्म होगा तो उसकी काम करने की क्षमता घट जाएगी, लेकिन ये जो उपधातु होते हैं इसलिए डीजे की मशीन में सब प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सब उपधातु हैं, ये जब गर्म होती हैं तो और अच्छे से काम करती हैं। इसलिए जो है डीजे सीजे मशीन, जो एम्पलीफायर होता है, उसमें इन्हीं धातुओं का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो मशीन गर्म हो तो और अच्छा काम करे। ये नहीं जैसे जैसे गर्म होती गई मशीन बैठती गई, तो ऐसा नहीं होता है। तो चले हम लोग 29। निम्नलिखित में से कौन जल में अविलेय हैं। तो साथियों में मालूम है, जो जो पदार्थ हुए जल में घुल जाते हैं उन्हें हम विलेय बोलते हैं, जो नहीं घुलते हैं अविलेय कहते हैं। जैसे चीनी घुल गई तो विलेय है, और कंकड़ पत्थर नहीं घुला तो अविलेय है। तो एथाइन, मेरे भाई एथाइन है कुछ पॉलीथीन टाइप का, इसका रिदम में नाम आ रहा है, आप ऐसे सोच लीजिए। तो एथाइन जो है यह अविलेय है, यह जल में घुलता नहीं, बाकी सब घुल, ग्लूकोज भी घुल जाता है आपको पता है, इथेनोइक अम्ल भी घुल जाता है, ये भी आपको मालूम है। तो ये ए जो है यह अविलेय है। 30 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तो किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता मेरे भाई, कांच में भी पाया जाता है, रेत में भी, सीमेंट में भी, या केरोसिन में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों। ये टॉपिक हमारा जो है, हम लोग इसको 9th में पढ़े होंगे। कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज किया है। तो मेरे भाई आप लोग इसे 11th में ही आपको पढ़ाया गया होगा केमिस्ट्री में, सबसे पहले परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने किया है, ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सर रदरफोर्ड ने नहीं तो किया है। नहीं मेरे भाई, रदरफोर्ड जो है वो जो है प्रोटॉन की खोज किए हैं। आपको बता दें प्रोटॉन, आप लोग को एक ट्रिक होगा, ईटा पर नाचे। इस क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है इसमें, कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का खोज सबसे पहले डेविसन और जर्मर ने किया था। कब किया था इसका, एक आप लोगों को मालूम होगा सर, ये डेविसन ने ही किया था इसका। तो क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है फैक्ट के रूप में। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसका, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो डेविसन और जर्मर ने, दोनों ने मिलकर, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर रदरफोर्ड तो होगा नहीं, थॉमसन तो होगा नहीं। आगे देखें, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो आप लोगों को पढ़ा होगा आपने, जब डाल्टन का सिद्धांत पढ़ा होगा तो ऐसे कोई नाभिक टीचर ने आपको बनाया होगा और अल्फा कणों की बमबारी किया होगा। तो यही अल्फा जो कण होते हैं, यही ऑप्शन नंबर डी, अल्फा कणों की बमबारी करके तो जो है दिखाए होंगे कि कुछ पार्ट कुछ लौट गए, कुछ इसको छेद कर कुछ निकल गए, और कुछ यहाँ से सीधा सीधा लौट आए, तो ऐसे करके दिखाए होंगे ना। तो अल्फा कणों की बमबारी करके ये दिखाया गया होगा, आकलन किया गया था। 33 का डी हो जाएगा। 34, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। संभारिक का मतलब साथियों, जैसे दो तत्व हैं, दो एलिमेंट हैं, और इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन इसमें जो है अल्फा कणों को जो है बैलेंस कर देंगे तो इनका जो है परमाणु भार जो है बराबर हो जाएगा। यानी परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, परमाणु भार में बराबर हो जाएं, तो उन्हें समभारिक कहा जाता है। समस्थानिक क्या होता है, परमाणु भार अलग अलग हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, तो ये होता है।
तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फा कण, अल्फा कणों के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। आगे चलें हम लोग 35 में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किससे पृथ्वी की एज का आकलन किया जाता है? तो साथियों, कोई डेड बॉडी हो, पेड़ पौधा या मानव या जानवर, किसी डेड बॉडी होती है वो कब की है, ये आकलन करने के लिए हमें कार्बन डेटिंग का पता लगाया जाता है। कार्बन डेटिंग से ये पता लगाया जाता है कि ये बॉडी ये कब की है। लेकिन यहाँ पर ये पूछा पृथ्वी की आयु, तो यूरेनियम डेटिंग से पता लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, याद रखिएगा 35 का हमारा उत्तर सी हो गया। तो आगे चले हम लोग, रबड़ देखें। रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो साथियों आप लोग जान लीजिए, रबड़ का वल्कनीकरण का मतलब ये होता है, जिसे हम लोग पेड़ से निकाले उसके दूध को, अब उसी से हम लोग कुछ में कुछ मिलाए ना, उसका वल्कनीकरण न करें, उसी से हम रबड़ के उपकरण, टायर, ट्यूब, जो भी उसका बनाना हो बना दें, तो अच्छा सामान का इस्तेमाल, अच्छा सामान नहीं बन पाएगा। उसको बेहतरीन बनाने के लिए, उसकी जो है क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उसका हम वल्कनीकरण करते हैं। वल्कनीकरण करने का मतलब उसे लगभग 150-200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद उसमें सल्फर और कुछ अन्य तत्व मिलाकर, अन्य कुछ कंपोनेंट मिलाकर उसको गर्म किया जाता है। तो इसमें सल्फर दिया है, तो सल्फर बहुत महत्वपूर्ण होता है जो रबड़ के वल्कनीकरण में मिलाया जाता है। 37 देखते हैं, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन्स का स्त्राव करता है? तो मनुष्य में जो मादा जनन अंग होते हैं वो किस हार्मोन्स का स्त्राव करते हैं? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, ये तीनों मेरे भाई होते हैं मादा जनन अंग में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर पुरुष में पूछता तो सबसे महत्वपूर्ण जो पुरुष जनन अंग, जो पुरुष जनन अंग से क्या होता है, तो हाँ टेस्टोस्टेरोन होता है, तो याद रखिएगा इसे। तो फिलहाल इसका उत्तर ये है। 38 में क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, जैसे हम लोग श्वास लिए और छोड़े, लिए छोड़े, ये कौन सी प्रक्रिया है? श्वाच्छोश्वास है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 39 में देखते हैं, आतिशबाजी यानी जो पटाखा बम ये सब होता है, उसमें जो हरी, जब से हम पटाखा जलाते होंगे ना तो देखे होंगे, बम तो नहीं देखे होंगे लेकिन पटाखा सब लोग जलाए होंगे, तो उसमें पटाखा जलाने पर हरी लौ, हरी ज्वाला निकलती है, तो यह किस कारण से उत्पन्न होती है? तो हरी लौ मेरे भाई आपको कई सारे एग्जाम में पूछा गया, ये बेरियम के लिए, उसमें बेरियम नामक जो पदार्थ होता है उसी की वजह से इसमें हरी लौ निकलती है। 39 का हमारा ये उत्तर हो जाएगा। और जबकि नारंगी लौ जो निकलती है वो कैल्शियम की वजह से निकलती है। तो आगे चले हम लोग, और ये सोडियम जो रहता है पीला, जलाने पर उसको जो पीला ज्वाला निकलती है वो सोडियम की वजह से निकलती है, ये भी तो जानते होंगे। आगे देखें हम लोग, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो मुख्य रूप से इसमें मेरे भाई ये ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, यही शामिल होता है। तो 40वें का हमारा उत्तर सी हो जाएगा, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन शामिल होता है। LPG आपके घरेलू उपकरण में जो सिलेंडर में प्रयोग होता है गैस LPG, उसमें, और इसमें मरकेप्टन नामक एक गैस मिलाई जाती है जिससे आपका लीकेज हो तो महक आए, मरकेप्टन। आगे देखें हम लोग, अब 41 में क्या कह रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे हम लोग कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस का उत्पादन जिसे भारत ने प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है, निम्नलिखित में से किस घरेलू उत्पाद के लिए इसका प्रयोग किया जाता था? तो मेरे भाई आप लोगों को मालूम होगा CFC का उत्पादन बहुत सारे देश बंद कर दिए हैं, भारत में भी काफ़ी हद तक बंद है। CFC इसका प्रयोग होता था जो एयर कंडीशनल उपकरण होते हैं, जैसे AC हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब में इसका प्रयोग बहुत तेज़ी से हो रहा था, जिससे यह गैसें जो है ग्रीन हाउस गैस बहुत तेज़ी से बढ़ा रही थी। तो इसका प्रयोग कहाँ होता था, रेफ्रिजरेटर में, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ रेफ्रिजरेटर दिया है, और ज़्यादातर एयर कंडीशनल जो चीज़ें होती हैं उसमें प्रयोग होता है। 42 में,
निम्नलिखित में से मोती के मुख्य घटक हैं, जो मोती होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट उसमें होते हैं, तो इसमें मेरे भाई इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, जी ऑप्शन नंबर यही होगा। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में जानते होंगे आप लोग, CaCO3 और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसमें यही इसके घटक होते हैं उपकरण मोती में। आगे देखें हम लोग 43 में क्या है, निम्नलिखित में से डेसिबल किसकी इकाई है। डेसिबल, तो मेरे भाई आपके घर कोई कभी अगर फंक्शन हुआ होगा किसी टाइप का, बर्थडे, शादी विवाह या कुछ, तो वहाँ पर आपके घर अगर एम्पलीफायर डीजे उजे बजाने वाली मशीन आए तो आप लोग उसको देखना, जहाँ पर वॉल्यूम उसका कम तेज़ करने वाली बटन होती है उसके नीचे ऐसे DB करके लिखा होगा, DB, तो DB का मतलब डेसिबल होता है, यानी कितने डेसिबल पर उसे हमें रखना है उसके वॉल्यूम को, तो ये होता है डेसिबल किसकी इकाई है। तो मैंने इसलिए बता दिया कि आपको याद रहेगा, तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ध्वनि की तीव्रता को मापती है। आगे चले हम लोग 44 में देखते हैं क्या है, बहुत छोटे समय अंतरालों को सटीकता से मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी बहुत छोटे छोटे समय, माइक्रो सेकेंड टाइप के जो समय अंतराल होते हैं उसको सटीक से कोई माप ले, इसको किसका प्रयोग किया जाता है। तो मेरे भाई इसमें जो होती हैं, एक तो रेडियम घड़ी दिया है, क्वार्ट्ज घड़ी दिया है, परमाणु घड़ी दिया है, सामान्य घड़ी, तो सामान्य घड़ी तो ये कर नहीं सकती, इसमें उतनी औकात नहीं है, तो सामान्य घड़ी होगा नहीं, तब कौन होगा, ये परमाणु घड़ी, ऑप्शन नंबर सी यही उत्तर होगा हम लोगों का, परमाणु घड़ियाँ। आगे चले हम लोग 45 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक आवेशित कण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व के द्वारा उत्सर्जित धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज कण है। तो मेरे भाई यहाँ पर कैथोड तो होता नहीं, कैथोड नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर गामा भी नहीं होगा, तो 45वां में हमारा ये अल्फा कण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। हम लोगों को मालूम है अल्फ़ा में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, कोई पूछे क्या होता है अल्फ़ा में, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो और अल्फ़ा पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑप्शन नंबर बी। 46 में देखें, 46 में क्या कह रहा है, देखें परमाणु विस्फोट, जब परमाणुओं का विस्फोट होता है तो अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, जिसका कारण क्या है। तो साथियों क्या कारण है, आपने कभी सोचा, आपको अगर प्रश्न को सॉल्व करना हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना हो, तो आप क्या सोचेंगे कि परमाणु बम अगर कोई फोड़ता है तो जितना ज़्यादा परमाणु बम फोड़ता है उतना ज़्यादा खतरनाक होता है, यानी यह द्रव्यमान पर टिका होता है, जितना ज़्यादा द्रव्यमान का परमाणु बम होगा उतना ज़्यादा दशरथ फैलाएगा, उतनी ज़्यादा ऊर्जा फैलाएगी, उतना ज़्यादा वो मतलब विनाश करेगा। तो यहाँ पर द्रव्यमान ऊर्जा का द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण, यानी उसका जो द्रव्यमान होता है वही ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीधी बात। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भवन निर्माण सामग्री में पाए जाने के कारण हाल ही में कौन सा तत्व, कौन सा रेडियोधर्मी प्रदूषक समाचारों में रहा है। तो अभी अभी समाचारों में एक बहुत बड़ा रेडियोधर्मी प्रदूषक रहा है जो भवन निर्माण सामग्री में पाया जाता है, तो साथियों थोरियम रहा है, थोरियम अपने यहाँ पाया जाता है, जो बालू वगैरह में पाया जाता है, मोनाजाइट बालू में केरल ओरल के तट पर, तो यहाँ पर थोरियम पाया जाता है। तो आप लोग जो सीमेंट खरीदते हैं या फिर जो POP खरीदते हैं या फिर जहाँ ईंट ऊट बनता है, बलुई मिट्टी उस टाइप की होती है, तो वहाँ उसमें थोरियम की मात्रा पाई जाती है जो रेडियोधर्मी प्रदूषक उस उत्पन्न करता है, प्रदूषण फैलाता है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर, ये भारत में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है थोरियम। आगे चलें 48 में, निम्नलिखित में से किसकी भेदन शक्ति सबसे अधिक होती है। तो भेदन शक्ति किसकी सबसे अधिक होती है, मेरे भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा सबसे ज़्यादा भेदन शक्ति गामा की होती है, गामा की होती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो है एक्स की होती है, उसके बाद यू की होती है, उसके बाद भी की होती है, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे ना, तो गामा की भेदन शक्ति सबसे अधिक होती है। आगे बढ़े हम लोग 48 में,
परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस कारण एक साथ बंधे होते हैं? तो कोई परमाणु हो गया और उसके नाभिक में मालूम है, उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके किनारे किनारे चक्कर लगाते रहते हैं, तो किस कारण से बने होते हैं? कि नाभिक में प्रबल नाभिकी बल होता है, इसे नाभिक में बहुत ज़्यादा नाभिकी बल पाया जाता है, न्यूक्लियर फोर्स। इसी न्यूक्लियर फोर्स की वजह से इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है बंधे रहते हैं, बाहर नहीं भाग पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर। आगे बढ़े हम लोग 50 में देख लेते हैं। पेट्रोलियम में लगी आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं? तो साथियों, पेट्रोलियम कोई हो, पेट्रोल होता है, डीजल हो गया, या फिर जो अलकतरा हो गया, जो वो हो गया, इस टाइप के जो पेट्रोलियम होते हैं, इससे अगर आग लग जाती है तो पानी से इसको कतई नहीं बुझाया जा सकता। ठोस चीज़ों से, जैसे गत्ता हो गया, या कुछ कोई कपड़ा हो गया उसे ढककर, या फिर पाउडर हो गया, यानी ठोस जैसे पदार्थों से उसे बुताया जा सकता है, तरल जैसे पदार्थों से नहीं, क्योंकि पेट्रोल तरल पदार्थों पर तैरने लगता है, अब बुझेगा नहीं, वो जलता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पेट्रोल है, ये पाउडर है, पाउडर भी एक ठोस में ही आता है। तो ये ए हो जाएगा, 50 का उत्तर हमारा ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले हम लोग 51 में देखते हैं क्या है। कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या पाया जाता है? तो कपड़ों और बर्तन जो सफाई के लिए डिटर्जेंट में प्रयोग किया जाता है, तो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले हम लोग 52 में। कार चालक की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग आप लोग खूब सुने होंगे, जो आजकल कारें आ रही हैं, खूब ढेर सारा एयरबैग दे रहा है ड्राइवर, पहले तो ड्राइवर पास देता था, अब तो पूरी सवारी के साथ दे रहा है। तो एयरबैग में क्या होता है कि आप लोग मालूम होगा है, तो उसमें जो है मतलब दो ठो पदार्थ पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है ये प्रोपेलेंट सोडियम एजाइट, जिसका फार्मूला मैं थोड़ा सा लिख दूँ, फार्मूला कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, Na3। इसका क्या नाम है? प्रोपेलेंट सोडियम एजाइट, प्लस एक और पाया जाता है इसमें पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। यही दो पदार्थ होते हैं। अब जैसे ही गाड़ी एक निश्चित मात्रा में निश्चित वेग से टकराती है, एक निश्चित झटका गाड़ी को मिलता है, तो तुरंत ये दोनों रिएक्शन करते हैं। इतना तेज रिएक्शन होता है कि लोग माइक्रो सेकंड लगते हैं और तुरंत एक रुई जैसा जो है वो बनकर जो है आपके सामने आ जाते हैं, जिसे आपका सीना, आपका मुंह जो है फूटने से बच जाता है या बहुत कम चोट पहुंचाते हैं। तो इसीलिए एयरबैग प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? तो एयरबैग में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो होगा नहीं, सोडियम एजाइड और सोडियम नाइट्राइड, या फिर सोडियम पेराक्साइड। तो क्या होगा साथियों इसमें? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम एजाइड। तो दो ठो होता है, मैंने दोनों का नाम बता दिया है, आप लोग याद रख लीजिएगा, प्रोपेलेंट सोडियम एजाइट और पोटेशियम नाइट्रेट। 53 में देखते हैं। लेज़र प्रिंटर क्या होता है? जो लेज़र के माध्यम से प्रिंट किया जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेज़र का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का लेज़र का प्रयोग किया जाता है? या मैं सेमी कंडक्टर लेज़र, डाई लेज़र, गैस लेज़र, या एक्साइमर लेज़र, किस लेज़र का मेरे भाई? तो सेमी कंडक्टर लेज़र का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले हम लोग 54 में देखते हैं क्या है 54 में। तो देखें यहाँ पर क्या है, कथन ए है और कथन आर है, दोनों को पढ़कर हमें अपना उत्तर दे देना है। तो पहला कह रहा है, एडिनिलीन हार्मोन का स्त्राव अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा किया जाता है। तो ये बात सही है, एडिनिल हार्मोन का स्त्राव अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा किया जाता है, ये सही है। अधिवृक्क ग्रंथियाँ प्रत्येक गुर्दे के शीर्ष में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ये कथन, ये आर भी इसका सही है। तो लेकिन इसका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, ये हार्मोन्स का स्त्राव अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है, ये बात सही है। अधिवृक्क ग्रंथियाँ प्रत्येक गुर्दे के शीर्ष में पाई जाती हैं, ये भी बात सही है, लेकिन दोनों का कनेक्शन नहीं है। जैसे आप पढ़ने में तेज हो, ये एक बात हो गई,
और मोहन का नाम आप पढ़ने में तेज हो, ये कथन हो गया, और मेरा नाम अमित है। तो ये दोनों का कोई कनेक्शन नहीं हुआ, दोनों अपनी जगह पर तो सही हैं लेकिन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं हुआ। तो यही प्रकार ये भी है, तो ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है। आगे देखें हम लोग 55 में क्या कह रहा है। एक कथन दिया है, एक कारण दिया है, पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न, छोटा सा इसमें कन्फ्यूजन दिया है, आपका दूर हो जाएगा। एथलीट फुट क्या होता है मेरे भाई, जो हाथी पांव हो जाते हैं लोगों का, बड़ा मोटा मोटा पैर हो जाता है फंगस की वजह से, फफूंदी की वजह से होता है वो। तो एथलीट फुट फफूंदी से होने वाला एक तरह का संक्रामक रोग है जो आमतौर पर पैरों की उंगलियों के बीच शुरू होता है। यस, पहले मैं बताया बात सही है ये, इसको पढ़ते हैं क्या है। एथलीट फुट नामक बीमारी ट्राइकोफाइटोन नामक फफूंदी से होता है। जी मेरे भाई 55 का ये दोनों बातें सही है इसमें हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर का स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ए का स्पष्टीकरण आर कर रहा है, मतलब ये इसका स्पष्टीकरण भी दे रहा है। आगे चलें हम लोग 56 में, इसमें कह रहा है विचार करना है कथन ए और कारण आर पर। क्षय रोग क्या होता है मेरे भाई, टीबी होता है। तो क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक विषाणु से होता है। तो मेरे भाई यहाँ ये गलती दे दिया, विषाणु की जगह जीवाणु होना चाहिए था। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है लेकिन यह जीवाणु होता है, विषाणु नहीं, इसलिए गलत हो गया। कारण यह क्षय रोग से पीड़ित रोगी की अगर छींकता है, खांसता है, हंसता है, थूकता है तो उसकी टीबी के कीटाणु हवा में फैल जाते हैं। यस मेरे भाई, कोई अगर टीबी रोग से पीड़ित है, वह खुले हवा में छींक खांस रहा है, हंस रहा है, तो उसके जो थूक के पार्टिकल होते हैं वो रहते हैं, किसी अन्य को उससे इन्फेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये 56 का यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर केवल आर सही होगा, ये वाला, तो डी सही होगा हमारा, ये वाला, यही ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ए सत्य है, आर ए असत्य है, आर सत्य है। 57 देख लेते हैं, तो देखें 57 में क्या कह रहा है। विटामिन एक तरफ दिया है, एक तरफ रोग दिया है, कौन से विटामिन किस रोग से संबंधित है आप मिला दीजिए। तो मेरे भाई ए रोग जो है वो रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, सही बात है। और प्रजनन क्षमता में जो कमी होती है विटामिन ई की कमी से होती है, ये भी सही है। विटामिन डी से जो है सुखंडी होता है, ये भी सही है, जो सूर्य के एनर्जी से हमें मिलता है विटामिन डी, हमारे शरीर में उसका फॉर्मेशन होता है। और एक और है हमारा विटामिन बी जो है बेरी। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा विकल्प बन रहा है, मिलाए हम देखें। ए जाएगा 2 पर, बी जाएगा 3 पर, सी जाएगा 1 पर, डी जाएगा 4 पर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य है उत्तर। चले हम आगे देखते हैं 58 में, देखें 58 में क्या कह रहा है हमें। एक तरफ सूची 1 में दिया है और सूची 2 में कुछ एक दूसरी तरफ दिया है, यहाँ कुछ खेती का नाम दिया है और कह रहा है इस खेती में किसका उत्पादन होता है वो मिलाना है। तो मेरे भाई आपको मालूम होगा विटीकल्चर किसके संबंधित है, अंगूर की उत्पादन से, अंगूर की खेती से, ये भी मालूम है आपको। पोमोलॉजी ये जो है, पोमोलॉजी किससे संबंधित है, यह जो है फूलों की खेती से है, ऑप्शन नंबर ये 2 पर मिल जाएगा। और यहाँ पर और क्या है, सब्जियों की खेती है जो है, यहाँ पर हमारा ये तो 2 मिल गया हमारा, बी आएगा 2 पर और सी चला जाएगा 1 पर, तो सी चला जाएगा 1 पर, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पर। और मोरी कल्चर शहतूत की खेती से संबंधित है, और हमारा अब बच्चा 1 को उसे हमें नहीं मालूम, लेकिन हम लोग मिला दें ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है, सब्जियों की खेती से। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, यही सही होगा। आगे चले हम लोग 59 पर, निम्नलिखित में से शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो शक्कर के किण्वन से मेरे भाई यह दारू बनाई जाती है, दारू मालूम है इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए,
और जो घटिया दारू जो जहरीली दारू बनती है जिसे खबरों में आता है पीकर मर गए, वो उसमें मेथिल अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है। आगे बढ़े हम लोग। कथन सही है, कौन सा सही है इसे बता देना है हमें। पहला पढ़ेंगे तो गामा किरणों की खोज पॉल बिलार्ड ने की थी। तो मेरे भाई क्या ये सही है, गामा किरणें की खोज पॉल बिलार्ड ने की थी? तो सही बात है, यही सही है। और आगे क्या कह रहा है दूसरे में, सर्वाधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण की होती है। तो सर्वाधिक आयनन क्षमता आयनाइजेशन पावर अल्फा किरणों की होती है। तो फिलहाल ये तो सही बात है दोनों भी। तो 60वां का हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों सही है। तो 61 हम लोग देखते हैं। पैरा चुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है मेरे भाई, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, जैसे ये चुंबक हो गया और इसका यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है इसके यहाँ तक, तो कोई अगर आप लोग जो है पदार्थ लाओगे यहाँ इसके चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये जो है क्या काम करेगा कि विपरीत क्षेत्र में चुंबकित हो गया, यानी यहाँ से यहाँ चलाएगा। अगर कोई लोहा को आप लाओगे तो लोहा जैसे ही यहाँ आएगा वो खींच जाएगा, पूरा उसके अंदर चला जाए, चिपक जाएगा। तो यही प्रतिचुंबकीय पदार्थ उससे दूर भागते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर मेरे भाई, प्रतिचुंबकीय पदार्थ यहाँ क्या हो सकते हैं? सोना चांदी, सोना चांदी को आप जो है चुंबक में लगाओ तो जो है उससे चुंबकीय क्षेत्र से दूर चले जाएंगे उसमें, ऑप्शन नंबर डी यही होगा। जबकि लोहा वो लौह चुंबकीय है, निकेल इस्पात ये सब जो है उसमें जाके चिपक जाएंगे, यानी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। देखें 62 में गोल्डन राइस, आपको मालूम होगा गोल्डन राइस विटामिन ए से प्रचुर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार से उपयोगी है? तो कि विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी, चावल है एक पीला चावल। देखें 63 में लिगामेंट हमें मालूम है साथियों, लिगामेंट मतलब होता है जोड़ना, तो किसको जोड़ता है? यहाँ पर दिया है दो पेशियों को, दो अस्थियों को, अस्थियों के साथ पेशियों को, तो किसको जोड़ता है मेरे भाई? दो हड्डियों को, हड्डियों हमारा जहाँ जुड़ी होती हों किसके माध्यम से? वो लिगामेंट के माध्यम से जुड़ी होती हैं, याद रखिएगा लिगामेंट। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने को मिलता है, आप लोग जब पढ़ते हैं ये हड्डी वाला टॉपिक तो वहाँ आपको एक चीज़ टेंडम देखने को मिलेगा। क्या टेंडम? टेंडम क्या करता है? टेंडम मेरे भाई वो हड्डियों, जिसे हड्डियों को लिगामेंट जोड़ता है, ऐसे मांसपेशियों को टेंडम जोड़ता है। टेंडम किसे जोड़ता है? मांसपेशियों को। आगे चले हम लोग, अब देखते हैं। देखें वर्षा जल तब अम्ल वर्षा कहा जाता है जब उसका पीएच मान कितना होता है? तो वर्षा जल का आप लोग मालूम होगा जो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, प्रदूषण के माध्यम से हवा में जाकर फैल जाते हैं। जब बारिश होती है तो बारिश के पानी में यही घुलकर जो है ज़मीन पर आते हैं और ये एसिडिक हो जाते हैं। एसिडिक होने का मतलब तभी ये अम्लीय वर्षा कहलाएंगे, यानी वर्षा का पानी जो है अम्ली हो गया, इसलिए अम्ली वर्षा कहा जाता है। तो एसिडिक होने का मतलब इसकी जो है एसिडिटी 4 से 5 के बीच होनी चाहिए, तब यह अम्ल वर्षा कहलाएगा। तो इसमें 4 और 5 के बीच कोई अब विकल्प नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 होता है तो इसका मतलब न्यूट्रल है, जैसे पानी न तो अम्ली है न तो क्षारी, 7 से कम होता है तो इसका मतलब वह अम्ली है, 7 से कम है, जितना ज़्यादा है उसका मतलब वो उतना क्षारी है, 7 से जितना कम है इसका मतलब वो उतना अम्ली है। तो याद रखिए आप लोग ये कंसेप्ट। 65 में क्या है, प्रदूषण का प्रभाव सर्वप्रथम किस पर दिखाई देता है? तो प्रदूषण जब फैलता है तो सबसे पहले मेरे भाई वनस्पतियों पर दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी। एक लाइकेन भी होता है, आप लोग उसके बारे में सुने होंगे, कई जगह पूछा जाता है लाइकेन। तो लाइकेन इसीलिए होता है कि जहाँ प्रदूषण फैलेगा सबसे पहले प्रभाव उस पर दिखने लगता है। आगे देखें हम लोग 66 में, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो सदिश यानी दिशा वाली नहीं है, यानी कि वो अदिश है। तो अदिश क्या है? यहाँ पर त्वरण में भी दिशा होती है,
विस्थापन में भी दिशा होती, किसी वस्तु का आप विस्थापन करेंगे, इसे उठाकर यहाँ रख देंगे तो किसी दिशा में ही उसका विस्थापन हुआ ना, ये भी होगा, तो वेग भी होगा, ये चाल नहीं होगा, चाल में कोई दिशा यहाँ पर नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा 66 का, ये ऑप्शन नंबर बी चाल, क्योंकि चाल अगर आपसे हम कहें वो 120 स्पीड से जा रहा था तो आप क्या समझेंगे कहाँ जा रहा था किधर जा रहा था, आपको इसे दिशा का ज्ञान थोड़ी ना हुआ। तो ये देखें हम लोग 67 में, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो लोग सोचते हैं प्रकाश वर्ष है, नहीं मेरे भाई पारसेक होती है, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश वर्ष से कई गुना ज़्यादा होते हैं। आगे चलें, सॉरी ये कहाँ पे पहुँच गया, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई हो गया था पारसेक, ये तो बता दिए, अब हमें चलना है 68 पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारी धातु, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है, तो सबसे भारी धातु अगर पूछे साथियों, सबसे भारी धातु तो ऑस्मियम, ऑस्मियम बताना, OS, ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब क्रोमियम पूछे तो सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर क्रोमियम, को से क्रोमियम, क से कठोर, याद रखिएगा। और टंगस्टन आपसे पूछे तो सबसे मजबूत धातु, सबसे मजबूत, ये चीज़ याद रखना। अब पोलोनियम रेडियो एक्टिव धातु है, इसको तो मालूम है पोलोनियम। आगे चले हम लोग, 68 हो गया, 69 में देखते हैं क्या है इसमें, क्या है, कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा नहीं है उसे बताना है, तो नहीं पर ध्यान जरूर दीजिएगा आप लोग, कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, तो बॉक्साइट तो है एल्युमिनियम का अयस्क, बॉक्साइट का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, पढ़ाया गया होगा Al2O3 × 2H2O, एल्युमिनियम का फार्मूला भी कई सारे एग्जाम में पूछता है ये बॉक्साइट का, तो ये बॉक्साइट का मैं आपको बता दिया। और बॉक्साइट भी होता है एल्युमिनियम का अयस्क, कोरंडम भी होता है, क्रायोलाइट भी होता है, या लीमोनाइट नहीं होता मेरे भाई, या लीमोनाइट जो होता है लौह का अयस्क है, याद रखिएगा आप लोग लौह का। आगे चले हम लोग, 70 में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे है, यानी EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कौन सा EMR है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो यहाँ पर अल्फा किरणें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है पहले समझिए, आप लोग खुद लगा लेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसको आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, वो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अल्फा को भी माध्यम चाहिए, बीटा को भी माध्यम चाहिए, ध्वनि को भी माध्यम चाहिए, आप लोगों को मालूम है जहाँ हवा नहीं होगा वहाँ ध्वनि नहीं होगी, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 71 देख लेते हैं, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि किस गुणधर्म में परिवर्तन नहीं होता, आप लोग याद रखिएगा, ध्वनि एक माध्यम से जैसे हवा से पानी में गई या पानी से हवा में आई, अलग अलग माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो उसकी आवृत्ति परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, बहुत बढ़िया प्रश्न, कह रहा है कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये परम शून्य ताप का मान क्या होता है, परम शून्य ताप होता क्या है, तो जान लीजिए यह लोवेस्ट टेम्परेचर है किसी बॉडी का, ये लोवेस्ट टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा लोवेस्ट टेम्परेचर नहीं हो सकता, ये -273 कहा जाता है, लेकिन रियल में -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, इसी को जीरो केल्विन भी कहा जाता है, तो जीरो केल्विन से ज़्यादा कम किसी बॉडी का टेम्परेचर नहीं होता, अधिकतम तो अनलिमिटेड हो सकता है, अधिकतम उसका कोई लिमिट नहीं है, अधिकतम कितना टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन न्यूनतम इतना ही हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा इसे। तो 72 को हम लोग देख लिए, अब हम लोग चलते हैं 73 को, देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल के उदाहरण है, प्राथमिक सेल होता क्या है मेरे भाई, आप लोग जान लीजिए, पहले की जो टार्चें आती थी हम लोग के बाप दादा के ज़माने में, लंबी लंबी मोटी मोटी,
तो उसमें बैटरी लगता था ना, एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी ऐसे करके, तो वो एक बार हम लोग डालते थे, फिर वो ख़त्म हो जाती तो उसे फेंक देते थे। या फिर जो दीवार घड़ी में बैटरी लगता है वो सब आजकल की, हालांकि चार्जेबल बैटरी लगने लगी है हर जगह पर। तो प्राथमिक सेल क्या होता था, लगाओ, यूज करो और फेंको, ये प्राथमिक सेल होती है। और द्वितीयक सेल मतलब वो चार्जेबल की बात करता है। तो बोल्टी सेल, लैक्वांसे सेल, डेनियल सेल, ये सभी तीनों के तीनों सेल जो हैं ये प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं, यानी डिस्चार्जेबल होते हैं। 74 में देखते हैं, सभी रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः किस तत्व में बदल जाते हैं। तो यानी जो भी रेडियो तत्व हैं वो अल्फा का, बीटा का, गामा का किरणों का उत्सर्जन करते हैं, तो उत्सर्जन करने के बाद अंत में वह किस तत्व में बदल जाते हैं, तो इसको नाम बताने मेरे भाई, सीसा, लेड, पीवी, इसमें बदल जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए 74 का। आगे हम लोग बढ़ें 75 में, देखें 75 का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, कई सारे एग्जाम में अलग अलग रूप में ये पूछा जाता है। क्या है, हाइड्रोजन बांड निम्नलिखित में से नहीं पाया जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन बांड है साथियों, यही पूछ रहा है, हाइड्रोजन बांड किस में नहीं पाया जाता है। तो आप लोग याद रख लीजिए, थोड़ा सा आपको समय दे दें आप हमें, तो मैं आपको बता दूँ, हाइड्रोजन बांड हमेशा फोन के मध्य पाया जाता है। किसके मध्य, फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियान, इन्हीं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है, और किसी में, और किसी के बीच नहीं। हाइड्रोजन बंध के द्वारा कटी लाइनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे HF को द्वारा दिखाना हो तो ऐसे कटी लाइनों के द्वारा HF, ये कटी लाइनें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो मैंने फोन बताया पहले, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियान, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नियान नहीं, नाइट्रोजन है, और ये फ्लोरीन, ये तीनों के मध्य तो हाइड्रोजन बंध बनता है, लेकिन सल्फर के मध्य नहीं बनता। मैंने पहले बताया ना, सिर्फ यही याद रखिए, फोन के मध्य बनता है, फोन तो आप लोग चलाते ही हैं, वही याद रख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, फोन के मध्य बनता है। तो साथियों, हम लोग इस टेस्ट सीरीज का, अपने 6वीं टेस्ट सीरीज का, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित थी, इसका हम लोग 75 क्वेश्चन देख लिए, यानी पार्ट वन में हम लोग इसको 75 क्वेश्चन रखें, और पार्ट टू में हम लोग इसको आगे के जो 75 क्वेश्चन है, यानी 76 से लेकर 150 तक, उसको देखेंगे पार्ट टू में। तो साथियों, पार्ट टू का इसके बाद हम लोग लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होने में आप सबको देखने में प्रॉब्लम होती है, हमें अपलोड करने में और दिखाने में प्रॉब्लम होती है। तो साथियों, हमारे पास संसाधन कम है, इसलिए बड़ी वीडियो को नहीं डाल पा रहे हैं, इसलिए इसको दो पार्ट में कम रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को वेट करिएगा, इसे देखकर और वेट करिएगा, इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।